आई, तो आज मैं चाहता हूँ कि भारतवर्ष के अंदर भी ईवीएम का खात्मा होना चाहिए। ईवीएम को बदलना चाहते हैं, ईवीएम बदलेगा तो हमारा लोकतंत्र बचा रहेगा, हमारा संविधान बचा रहेगा, हमारी प्रतिष्ठा बची रहेगी, हमारा सम्मान बचा रहेगा, हमारा रोजगार, हमारा स्वास्थ्य सब, हमारा ईवीएम अगर नहीं रही तो हमारा ये सब कुछ बचा रहेगा, अन्यथा ईवीएम ने पूरा देश का नाश कर ही दिया है। आप सब देखने वाले, मोबाइल है, मोबाइल हैक हो सकता है, आपका बैंक अकाउंट हैक हो सकता है, आपका सोशल मीडिया अकाउंट हैक हो सकता है, तो कौन देश के अंदर दावा कर रहा है कि ये ईवीएम मशीन हैक नहीं हो सकती? आज इस समय में वर्तमान में सबसे बड़ा यंत्र जो है वो आपका मोबाइल है, मोबाइल हैक हो सकता है, आपका बैंक अकाउंट हैक हो सकता है, आपका सोशल मीडिया अकाउंट हैक हो सकता है, तो कौन देश के अंदर दावा कर रहा है कि ये ईवीएम मशीन हैक नहीं हो सकती? मशीन है, आधुनिक है, इसे कोई भी हैक कर सकता है, जब इंसान ने बनाया है और इंसान इसे हैक करने में पीछे नहीं है। और बहुत जल्दी आपके पास कई उदाहरण ऐसे आए, आपके पास कई इलेक्शनों के अंदर आपने देखा कि यूपी के अंदर लाखों की संख्या के अंदर ईवीएम मशीन को फेंका गया, कहीं कूड़े पे, कहीं नाले में, कहीं खत्ते पर, और देश अगर पूरा चुपचाप बैठा हुआ है, लोकतंत्र इसके सामने खत्म हो रहा है पूरे देश के नागरिकों के, और आप चुप बैठे हैं, तो आपसे बड़ा मूर्ख और आपसे बड़ा बुजदिल कोई नहीं है। अगर आपके सामने लोकतंत्र खत्म होता जा रहा है और संविधान खत्म हो जा रहा है और आप चुप बैठे हैं, तो आपसे बड़ा बुजदिल इस समय कोई भी नहीं है साथियों। तो ईवीएम से दिक्कत क्या है ऐसी? ईवीएम से दिक्कत आपको पता है, आप मीडिया हैं, आपको पता है कि ईवीएम से क्या दिक्कत है? देखिए, जब मैं अपना वोट अपने कैंडिडेट अपनी पार्टी को देना चाहता हूं और आप जब मुझे उस पर साक्षरता ही नहीं है, जब मेरे को पारदर्शिता नहीं है और मुझे पूरा विश्वास नहीं है कि मेरा वोट मेरे कैंडिडेट को मेरी पार्टी को जा रहा है, तो आप इन नागरिकों के साथ, इन वोटरों के साथ इतना बड़ा धोखा कैसे कर सकते हैं? आप इनसे राजनीति कर रहे हैं, इनके ऊपर वोट डालने वाले वोटर, तो उनको संतुष्टि करने के लिए मैं कहता हूँ, आदरणीय प्रधानमंत्री, आदरणीय बीजेपी सरकार, भारतीय जनता पार्टी को अपने इस फैसले को बदल देना चाहिए और जो वोटर है उसको पारदर्शिता के साथ आपको सामने जवाब देना चाहिए। और ईवीएम जब विकसित देशों के अंदर खत्म कर दी गई, तो आज मैं चाहता हूँ कि भारतवर्ष के अंदर भी ईवीएम का खात्मा होना चाहिए। लेकिन आपको लगता है कि ईवीएम एक बड़ा मुद्दा है, जबकि जनता तो 400 रुपए का सिलेंडर 1200 रुपए में खरीद के भी खुश है? भैया, कोई सिलेंडर कोई आज अगर देश के अंदर कोई सबसे बड़ा मुद्दा है तो वो ईवीएम का है, इसके अलावा कोई मुद्दा नहीं है। अगर आप चाहें कि भारतीय जनता पार्टी के विरोध में नहीं, आप कहें कि प्रधानमंत्री के विरोध में नहीं, ईवीएम को बदलना चाहते हैं, ईवीएम बदलेगा तो हमारा लोकतंत्र बचा रहेगा, हमारा संविधान बचा रहेगा, हमारी प्रतिष्ठा बची रहेगी, हमारा सम्मान बचा रहेगा, हमारा रोजगार, हमारा स्वास्थ्य सब, हमारा ईवीएम अगर नहीं रही तो हमारा ये सब कुछ बचा रहेगा, अन्यथा ईवीएम ने पूरा देश का नाश कर ही दिया है। आप सब देखने वाले, आपको लगता है चुनाव के इतने करीब आके ईवीएम पे कोई फैसला लेगी सरकार या चुनाव आयोग? लेना पड़ेगा, अगर आपको नागरिकों को, वोटरों को संतुष्ट करना है तो आपको ये फैसला लेना पड़ेगा और लेना भी चाहिए, क्योंकि आपका दायित्व बनता है, एक प्रधानमंत्री होने के नाते, प्रेसिडेंट होने के नाते आपका दायित्व बनता है कि हम जनता को कैसे संतुष्ट कर सकते हैं, हम भारतीय जनता को कैसे संतुष्ट कर सकते हैं। अगर जनता जो वोट डालने वाली है वही ईवीएम को नहीं चाहती, तो आपको ईवीएम हटाकर ये जो प्रश्न चिन्ह है जो ईवीएम का, इसे बिल्कुल साफ कर देना चाहिए और जनता से रूबरू होना चाहिए। लेकिन आप लोग तमाम जो वकील हैं सिर्फ आवाज उठा रहे हैं, बाकी जो विपक्ष पार्टियां हैं वो तो आवाज नहीं उठा रही है। देखिए दोस्त, विपक्ष पार्टियों की अपनी समस्या है, वो क्या समस्या है उसे मैं नहीं कह सकता, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम कोई राजनीतिक नहीं है आज, लेकिन दायित्व पूरे देश का बनता है कि अगर आपको किसी चीज के ऊपर शंका है, और देखिए देश की सबसे बड़ी चीज है वोट और वोटर, अगर वोट डालने वाले को संतुष्टि नहीं है, वोटर को संतुष्टि नहीं है, तो उसकी संतुष्टि करना जो शासन शासन कर रही है कोई भी पार्टी हो, दायित्व बनता है क्या वोटर को संतुष्ट किया जाए। गांव देहात तक कैसे पहुंचेगा ये आंदोलन? आप तो दिल्ली में कर रहे हैं, लेकिन गांव देहात तक कैसे पहुंचेगा? देखिए मैं आपको बता दूं, 6 जनवरी को जो जंतर मंतर पर आंदोलन हुआ, जो ईवीएम का डेमो दिखाया गया, उसमें ईवीएम का हैक करके दिखाया गया, जो देश के बुद्धिजीवी है वो पूरे देश में आवाज उठाएंगे, इस चिंगारी को 16 बनाएंगे और बहुत जल्दी ईवीएम को देश से उखाड़ फेंकने का काम करेगी जनता। नहीं बहन, क्या करेंगे? नहीं, हमारा आंदोलन है, जारी रहेगा, लेकिन मुठभेड़ सीधी सरकार से, सीधी टक्कर सरकार से, और सरकार से
मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं है, बहिष्कार करना नामुमकिन नहीं है। ईवीएम इतनी बड़ी चीज नहीं है, मशीनीकरण है और मशीन को हटाना हमारे पूरे देश का दाग क्यों बनता अगर कोई मशीन आपके देश का नुकसान करे। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुजन समाज की एक ऐसी किताब, कहीं हम भूल ना जाएं, एक ऐसी ऐतिहासिक किताब है जिसके अंदर आपको ऑडियो वीडियो देखने को मिलना है। ये पहली बहुजन समाज की ऐतिहासिक किताब है जिसके अंदर आप वीडियो भी देख सकते हैं। अब किताब के अंदर कैसे वीडियो देख सकते हैं ये मैं आपको पहले दिखा दूं। आइए तो हम देखते हैं। सबसे पहले आपने करना ये काम है कि किसी भी पेज पर मोबाइल द्वारा आप गूगल पे जाएंगे और गूगल पे जाने के बाद आपको कैमरे का निशान नजर आता है। इस कैमरे पे आप क्लिक करेंगे तो ये QR कोड को स्कैन कर लेगा। स्कैन करने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे ये लिंक आ गया। आप जैसे लिंक पर क्लिक करेंगे आपकी वीडियो चालू हो जाएगी, यानी कि आपको एक सटीक जानकारी मिलने वाली है, एक ऑथेंटिक जानकारी मिलने वाली है। बहुजन समाज की पहली ऐतिहासिक किताब है जिसके अंदर आपको तमाम महापुरुषों की जानकारी मिलने वाली है। आप इस किताब में देख पाएंगे तथागत सम्यक बुद्ध जिनकी पूरी जीवनी आपको मिलने वाली है, महान सम्राट अशोक जिनका जीवनी आपको इसके अंदर पूरी मिलने वाली है, संत कबीरदास, संत शिरोमणि गुरु रविदास, सम्राट मीर भोज जिन्होंने इतिहास रचने का काम किया, गुरु घासीदास बाबा, वीरांगना झलकारी बाई, वीरांगना उदा देवी पासी, नागेली वीरांगना की कहानी, एकलव्य जिसका अंगूठा काट लिया था धोखे से, चोखा मेला हरिचंद ठाकुर, ज्ञानदीत छत्रपति शाहूजी महाराज, बिरसा मुंडा, ज्योतिबा फूले, माता सावित्री बाई फूले, फातिमा शेख, ईवी रामा स्वामी, स्वामी अछूतानंद, बाबा साहब डॉक्टर B.R. अंबेडकर जिनका मूल ग्रंथ आपको इसमें छोटी सी किताब में मिलने वाला है। आप ऑडियो भी देख सकते हैं, वीडियो भी देख सकते हैं। माता रमाबाई, मोतिया रावण कंगाली, सरदार उधम सिंह, ललई सिंह यादव, दशरथ मांझी, शिव दयाल सिंह चौरसिया, कपूरी ठाकुर, भवरी देवी, मान्यवर काशीराम साहब जिन्होंने इतिहास को दोबारा दोहराने का काम किया था, वीरांगना फूलन देवी, बहन कुमारी मायावती, संकल्प भूमि और पूना पैक्ट। बहुजन समाज का एक मूल ग्रंथ यह आपके पास आ गया है और आप इसको बिल्कुल भी देरी ना करें। तो साथियों अगर आप ये किताब मंगाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो आप नंबर देख रहे हैं इस नंबर पर आप हमें अपना ऑर्डर बुक करा सकते हैं। कितनी किताब आपको चाहिए? अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।